अच्छा जी, उन्हें दुकान से दोबारा फिर खुलाई ताकि से चेक कर सकिए कि कितनी मूँगफली पई है। और काफ़ी हद तक यकीनन ना ना करने तकरीबन 100+ बोरी इसने भी पई हो सी, और थले भी 7-8 बोरियाँ ना तकरीबन माल पे है, क्वानिटी भी एक एक्स्ट्रा पई है, प्लस नाले तौलने वास्ते कंडा मौजूद है, और नाल वाली दुकान दे विच भी ऑलमोस्ट 100+ बोरियाँ पई हैं, और 7,000 आलमोस्ट एक बोरी की कीमत है तकरीबन, क्योंकि 50 kg+ मूँगफली की जो निकलानी थोड़े छोड़े नाल एक्स्ट्रा पैन, और ये दूसरी दुकान नाल प्लस ऑलरेडी ठेरी जिसने एस्टिमेटेड जिसना है तकरीबन 250 बोरी पई होनी, और नाल पीछे इसने बैक साइड से दुकान ने सामने जड़ी पैन 100+ बोरी उसने भी पई है, और थले तकरीबन 3 बोरियाँ का माल पे है इस टेंट में थे, और ये तले जस्ट इंटरेस्ट में होते थे 3 बोरियाँ पई हैं वैसे ही ब्लॉक करने वास्ते, और इस दुकान ने अंदर भी तकरीबन 100+ तो रफ आइडिया जो मेरा है अंदाजन तकरीबन 600 बोरी तकरीबन पई होनी, शायद ज़्यादा भी हो सकनी इसमें यकीनन, और ये सारी दुकान है अंगेज और लास्ट गड्डी के सामने जो कोने वाला कमरा है वह एज अ ऑफिस यूज़ किया जा रहा जिसने भी सारे मामला और डीलर नाल डीलिंग की जानी, और यकीनन नाल वाले दो पार्टनर हैं जोड़े इस टाइम से हम आ चुके हैं, और जमीन की तैयारियां और शटर डाउन करके मस्जिद की तरफ रवाना होने बिल्कुल करीबन, और ये साढ़े मौलाना हज़रत आना साहब जोड़े बिल्कुल इतने मामला तय किए जा रहे हैं इस्लाम की रूह ने और रोशनी ने तहत, और तकरीबन रफ आइडिया अगर 700 नी बोरी होवे और 7,000 थी सारी, और तकरीबन 700 होवे ते लमसम तुसी कह सकते हो कि 50-1 लाख ना मटेरियल थे अंडर प्रोसेस है, और 4 तो 5 ट्रक निकल चुके हैं 250 बोरियाँ ते आलमोस्ट 1.5-2 करोड़ ना सर्कुलेशन चल चुकी है। ये वैसे रफ टाइप ऑफिस है जिते 15 to 20 मिनट नहीं जस्ट डीलिंग होनी, और उस तो बाद या मूँगफली परचेज की जानी तो या ट्रक की सूरत 200-250 मूँगफली सेल कर दी जानी, और एक यकीनन इस करंट सिचुएशन के मुताबिक एक अच्छा तरीन बिजनेस है।